हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। गाइज, आज हम बनाने वाले हैं उड़द की धुली हुई दाल के रिकवच। उड़द की धुली हुई दाल जो होती है उसके रिकवच बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो बिना रात को भिगोए इंस्टेंट रेसिपी बनाकर आज हम तैयार करेंगे। तो देखिए, एक कटोरी मैंने धुली हुई दाल ले ली है उड़द की, और इसको मैंने फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ इसका जो पाउडर बनाया मैंने दाल का। अभी थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर ठीक सा बैटर बनाकर हमें इसका तैयार कर लेना है। मतलब इसको पानी में भिगोकर हमें दाल को रख देना है। तो देखिए, दाल को मैंने पानी में भिगो दिया है। मतलब थोड़ा सा ठीक सा आटा गूंद कर इसका रख दिया है मैंने। 2-3 घंटे के लिए इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो 2-3 घंटे में हमारी दाल अच्छे से फूल जाएगी और अच्छे से गल जाएगी। तो अभी 2-3 घंटे हो गए हैं। तो देखिए, मैंने थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी मिर्च मिला दी है इसमें, और इसका मैं आटा गूंद कर तैयार कर रही हूँ। तो आटा हमें इस तरीके से गूंदना है, मतलब ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए। तो जिस तरीके से हम बड़े बनाते हैं, बड़ों के लिए जिस तरीके से हमें आटा चाहिए होता है, उस तरीके से हमें आटा गूंद लेना है। ये मैंने डाला है बेकिंग सोडा, और ये डाला है मैंने जीरा। बेकिंग सोडा डालने से हमारे बड़े एकदम फ्लफ़ी और एकदम स्पॉन्जी बनकर तैयार होंगे। तो ना ज़्यादा गिलगिला आटा बनाना है हमें, ना ज़्यादा टाइट बनाना है। तो देखिए, 2 चम्मच आटा मैंने साइड में रख लिया, ये हम ग्रेवी में डालने वाले हैं। तो अभी देखिए, जितना आटा हमारा बचा है इसका हम बड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, छोटी छोटी लोइयां लेकर मैंने इनके बड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो बस हाथों में बिल्कुल भी, अगर आपका आटा एकदम परफेक्ट बना है तो बिल्कुल भी हाथों पे चिपकेगा नहीं और ना आपको प्रॉब्लम होगी। और अगर आटा चिपक भी रहा है तो आप हाथों में ऑयल लगाकर इसके बड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, अभी मसर ऑयल मैंने गर्म कर लिया है। मसर ऑयल में मैं बड़ों को डीप फ्राई कर रही हूँ। तो बड़े एकदम से बन के तैयार हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा कोई झंझट की ज़रूरत नहीं है। मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं लगती है हमें, आराम से एकदम झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, कितने सुंदर डिलीशियस हमारे बड़े बनकर तैयार हुए हैं, एकदम क्रिस्पी और फ्लफ़ी। देखिए कितने फूल गए हैं। तो सोडा डालने की वजह से हमारे बड़े एकदम फूल गए हैं। तो ग्रेवी बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं अभी। तो देखिए, जो कटोरी में मैंने आटा बचाकर रखा हुआ था इसका मैं पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो अभी मैंने देखिए ऑयल कम कर लिया है कढ़ाई का। तो अभी 2 चम्मच ऑयल डालकर गरम करके मैंने जीरा और हींग का तड़का लगा दिया है। अब जो ये देखिए दाल का मैंने घोल बनाकर रखा हुआ था, दाल का घोल मैंने इसमें डाल दिया है। तो बस अभी इसको, दाल के घोल को हम इसमें अच्छे से पकाएंगे। अभी थोड़ी सी नमक स्वाद अनुसार, और मिर्च और हल्दी पाउडर, बेसिक मसाले, आप जो भी खाना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। ये धनिया पाउडर और ये चाट मसाला मैंने मिला दिया है इसमें। हम बिना प्याज टमाटर के आज बनाने वाले हैं। तो देखिए, दाल से भी बहुत ही टेस्ट इसका इतना प्यारा आता है, इतना अच्छा टेस्ट आता है, यम्मी यम्मी। तो देखिए, इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और देखिए, अभी दाल अच्छे से पक गई थी दाल, फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया है, पानी में बबल्स भी आ गए हैं। तो बस अभी इसमें हम बड़े डाल देंगे, और बड़े डालने के बाद 5 मिनट तक इसको हम कुक कर लेंगे। और लास्ट में हमारा जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जो मैं हर रेसिपी में यूज़ करती हूँ, मलाई। तो मलाई हम डालना नहीं भूलेंगे। तो मलाई को मैंने फेंट कर, ये गाय का दूध जो होता है एकदम उसकी फ्रेश मलाई है, तो इसमें घी भी जम रहा है। तो बस इसमें मैं ये डाल देती हूँ मलाई, और बस हमारे उड़द दाल के रिकवच बनकर तैयार है। सुपर टेस्टी उड़द दाल के रिकवच। इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। और बिल्कुल भी इसमें झंझट नहीं है, एकदम इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाती है। तो प्लीज़ रेसिपी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय दिस रेसिपी। और प्लीज़ 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 एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आप जब हमें कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है गाइस। रेसिपी बनाने में, वीडियो बनाने में बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंजॉय दिस रेसिपी।